आता कहाँ से, हमेशा यही पूछते हैं आपको देख के आ जाता समझ। सो यस ऑफ कोर्स सोसाइटी मैगजीन सोसाइटी मैगजीन जो है आई मीन उनके साथ सबसे इंपॉर्टेंट है गौरव का कोलैबोरेशन रिच बॉयज का एंड ऑल सीन्स जो है उन्होंने कोलैबोरेट किया है। सो गौरव हमारे बहुत खास दोस्त हैं एंड दैट्स व्हाई वी बोथ आर हियर टू सपोर्ट हिम एंड द सोसाइटी अचीवमेंट। आप क्या कहना चाहोगे? मतलब ये कहना चाहूँगा कि गौरव बहुत ज़्यादा खास दोस्त है और उसने ये एक रंगीन शाम फिर से हम सब के लिए आयोजित की है जो हमेशा करता आया हमेशा बचपन से करता आया। सो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और उसको बेस्ट विशेस देने के लिए आए हैं। एंड मैम हाल ही में 14 साल पूरे हुए पवित्र रिश्ता को, आज भी हम जब देखते हैं स्टार्टिंग के 10 एपिसोड इतने सारे व्यूज़ हैं, मैं भी आज भी देखता हूँ स्टार्टिंग के फेस हो, क्या कुछ कहना चाहते हो जर्नी के बारे में पवित्र रिश्ता को? 14 ईयर्स पवित्र रिश्ता 14 साल का वनवास पूरा किया है मैंने, लेकिन आई थिंक पवित्र रिश्ता अभी भी लोगों के दिल में उतना ही यू नो कहीं है और लोग इतना ही प्यार करते हैं जितना शायद उस टाइम करते थे। तो आज ज़्यादा पता चलता है लोगों का प्यार क्योंकि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया यू गेट टू नो हाउ मेनी पीपल डू रियली लव यू। एंड वो आज भी अर्चना कहीं ना कहीं उनके दिल में, नॉट जस्ट अर्चना आई थिंक हर कैरेक्टर पवित्र रिश्ता का बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और अच्छा लगता है जब लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं। Anything coming up apart from that? Any OTT? Of course, my film is coming, Veer Savarkar, very soon. So, yeah. कितना wait है क्योंकि काफी लोग का wait है, specially रणदीप जी का look हो गया, आपके look हो गए, उसके बारे में social media में काफी समय से चर्चा है। आपसे मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप कितना वेट कर रहे हो प्रोजेक्ट के? पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 14 साल हो गए पवित्र रिश्ता को, लेकिन अंकिता को देख के लगता नहीं कि 14 साल हो गए। माय गॉड, तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट सब लाइंड अप हैं और आगे बहुत एक्साइटिंग टाइम आने वाला है। सो अंकिता इज गेटिंग रेडी फॉर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।